शरीरं सुरूपं प्रथामा कलत्रं यशश्च

तीन दिन बाकी है कल हमने देखा था गृहस्थ में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें आज ये मुरली है व्यक्त बाप दादा की सिक्सटी नाइन की 13 मार्च कुमारियों से मुलाकात आप शोकेस हो अनेक कुमारियों को उमंग और उत्साह उन्नति में लाने के लिए जितना ही उमंग से साकार निराकार दोनों से मिलकर यह प्रोग्राम बनाया है उतना ही इसका उजुरा दिखाना है कई कुमारियों की उन्नति के निमित्त बन सकती हो बाबा कुमारियों से बात कर रहे हैं कई कुमारियों के उन्नति के निमित्त बन सकती हो अपनी हमजींस को गिरने से बचा सकती हो कुमारियों के साथ बाप दादा का काफी स्नेह है क्योंकि क्योंकि बाल ब्रह्मचारिणी है क्योंकि पवित्र है क्योंकि गुरु भाई है क्योंकि इक्कीस कुल का उद्धार करने वाली है क्योंकि सौ ब्राह्मणों के बराबर है क्योंकि जगदम्बा है क्योंकि क्योंकि कुमारियों के साथ बाप दादा का काफी स्नेह है क्योंकि बंधन मुक्त है क्योंकि क्योंकि, क्योंकि? कहीं और स्नेह में फंसती नहीं है फंस सकती है ये भी कहा है बाबा ने क्योंकि सहारा एक बाप है क्योंकि गरीब है बुलियों में आता है ना कुमारिया गरीब है तो बाप है गरीब निवास क्योंकि कुमारियों के साथ बाप दादा का काफी स्नेह है क्योंकि बाप दादा परम पवित्र है और कुमारिया भी पवित्र है तो पवित्रता पवित्रता को खींचती है पवित्रता पवित्रता को आकर्षित करती है पवित्रता पवित्रता को पवित्रता पवित्रता को क्या करती है जन्म देती है पवित्रता पवित्रता को बढ़ाती है पवित्रता पवित्रता को पोषित करती है पल्लवित करती है पवित्रता पवित्रता को ताकत देती है पवित्रता पवित्रता की वृद्धि करती है वर्धन करती है पवित्रता पवित्रता को ऊपर उठाती है और पवित्रता को तो पवित्रता पवित्रता को खींचती है वर्तमान समय मुख्य विशेषता यही चाहिए हर एक महारथी का फर्ज है अपना गुण औरों में भरना तो बाबा कुमारियों से बात कर रहे हैं क्या करना है कुमारियों को दूसरी कुमारियों को बचाना है उसके लिए खुद बचे रहना होगा और भगवान परम पवित्र है और उसे कुमारियां पसंद है गोपी वल्लभ है वो कुमारियों का तो पवित्रता पवित्रता को खींचती है वर्तमान समय मुख्य विशेषता यही चाहिए हर एक महारुति का फर्ज है अपना कुंड और भरे तो कल हमने देखा था पवित्रता गृहस्थ व्यवहार में आज हम देखेंगे कुमार और कुमारियों में पवित्रता या ब्रह्मचर्य कुमार और कुमारियों में ब्रह्मचर्य कैसा हो इस ब्रह्मचर्य की वृद्धि कैसे हो क्यों ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है दोनों में कुमार और कुमारी दृष्टि कैसी हो संबंध कैसे हो आपसी डिजिटल प्यूरिटी कैसी हो डिजिटल प्यूरिटी दोनों में फैमिलियरिटी कहाँ तक हो लेन देन कहा तक हो गिव एंड टेक दोस्ती कहां तक हो आपस में मेल जोल कहाँ तक हो उन कारणों से कैसे बचे जहां गिरने की बहुत ज्यादा संभावना है संसार में ये कहा गया है कि काम विकार स्वाभाविक है काम विकार शारीरिक धर्म है काम विकार शारीरिक भूख है यह संसार की मान्यता है जैसे शरीर को भूख लगती है और भोजन मिलने के बाद शरीर में स्वस्थ लाभ होता है स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है वैसे काम भी एक शारीरिक धर्म है एक शारीरिक भूख है परंतु यदि वो शारीरिक भूख होती तो इस भूख की तृप्ति के बाद व्यक्ति कमजोर की अनुभव करता है व्यक्ति को स्वास्थ्य का अनुभव करना चाहिए परंतु वैसा होता नहीं है तो सबसे पहला ये एक आर्टिफिशियल हंगर है कृत्रिम भूख है दूसरा संसार कहता है यह स्वाभाविक है, इनेचर है, है। ये नेचर है स्वभाव है परंतु ये यदि स्वभाव है तो इसमें उतरने के बाद बेचैनी क्यों होती है शांति अनुभव होनी चाहिए वास्तव में काम विकार शारीरिक कम मानसिक ज्यादा है उसकी उत्पत्ति मन से है वो मनोज है मानसिक उपज है उसकी जैसे लड़ाई जो होती है वो पहले मन में उत्पन्न होती है फिर शरीर में उसी तरह काम भी उत्तेजना है जिसकी उत्पत्ति मानसिक है और फिर शरीर के तल पर प्रकट होती है तो काम भोग मानसिक मलिनता का परिणाम है क्या है मानसिक मलिनता का परिणाम यदि मन निरंतर स्वच्छ रहे तो परिणाम होगा ही नहीं काम एक नशा है इंटॉक्सिकेशन और यह एक ऐसा नशा है कि जो व्यक्ति को स्वप्न जगत में प्रवेश कराता है और स्वप्न जगत में जाने के बाद भविष्य कुछ भी दिखाई नहीं देता है वर्तमान नष्ट हो जाता है एक मानसिक सृष्टि का निर्माण होता है जिसमें कल्पनाएं हैं सेंसुअल फैंटसीज है व्यक्ति कल्पना करते जाता है कल्पना करते जाता है करते जाता है करते जाता है जो कुछ उसने इस विकारी संसार में देखा विकारी स्त्री पुरुषों को करते हुए वही कल्पनाएं मन करते जाता है और एक स्वप्न जगत निर्माण करता है और उसी स्वप्न जगत में बार बार उसको खिंचाव होता है और उसी में प्रवेश करता है जब भी समय मिले तब फुर्सत के समय कहा जाता है संसार में काम जो है इससे विश्रांति मिलती है और मनोरंजन होता है उस दिन हमने देखे थे काम की तरफ आकर्षण के चौदह कारण उनमें से दो कारण ये थे क्या वास्तव में काम मनोरंजन है मनोरंजन है परंतु वो झूठा मनोरंजन है चीप एंटरटेनमेंट है थोता थोता मनोरंजन है क्या सही में उसमें विश्रांति है विश्रांति होगी परंतु वो झूठी विश्रांति है थकान है उसमें तो फ्रस्ट्रेशन है उसमें तो मनुष्य की चेतना में उत्पन्न विवेक विजडम ही नष्ट हो जाता है सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है समझ नहीं आता है व्यक्ति जिंदा होते हुए भी डेड हो जाता है तो काम झूठी विश्रांति है खाम थोता मनोरंजन है काम कृत्रिम भूख है और एक काम एक्वायर्ड हैबिट है अर्जित आदत है जैसे एक व्यक्ति बैठा है और सामने चने रखे हुए भुने हुए उसे भूख नहीं है फिर भी खाता है व्यक्ति बैठा है बिस्किट का पैकेट रखा हुआ है खाता है उसे भूख नहीं अभी तो भोजन करके आया है पर बिस्किट का पैकेट रखा हुआ है चने रखे हुए हैं पॉपकॉर्न रखा हुआ है खाना चालू भूख है नहीं और धीरे धीरे यही भूख ये खाना उसकी आदत बन जाती है और फिर वो तब भी खाता है शायद पहले कभी उसने खाया होगा जब भूख थी पर अभी भूख भी नहीं है तो भी खाते रहता है काम ऐसी ही एक अर्जित आदत है जैसे अफीम ची अफीम पीते रहता है जैसे सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीते रहता है जैसे दारू पीने वाला दारू पीते रहता है वो उसको समझ में आता है ये नहीं पीना चाहिए पर वो रोक नहीं पाता है खुद को क्योंकि वो पीते ही वो खाते ही शरीर में तन बदन में एक सुखद संवेदनाएं उत्पन्न होती है ऐसी संवेदना जो किसी और चीज से उत्पन्न नहीं होती ऐसा सुख जो उसे कहीं से नहीं मिलता उसी तरह काम भोग भी भोगेंद्रियों में वैसी ही उत्तेजना उत्पन्न करता है वैसा ही सुख उत्पन्न करता है और ये सुख एडिक्टिव है उसे समझ में आता है यह मेरी पवित्रता नष्ट कर रहा है मेरा समय नष्ट कर रहा है जीवन ऊर्जा जीवन शक्ति नष्ट कर रहा है पैसे नष्ट कर रहा है टाइम वेस्ट कर रहा है परंतु अब यह क्या बन गई है अर्जित आदत एक्वायर्ड हैबिट चाहते हुए भी वो रोक नहीं पाता है उसको और बहा जाता है बहा जाता है उसमें दूसरा काम एक नशा है इंटॉक्सिकेशन वो जो नशा है क्या करता है शरीर को भस्म कर देता है वो जो नशा है बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है वो जो नशा है धन को खत्म कर देता है ये जो नशा है ये उससे भी घातक है वो दिखाई देता है ऊपर से ये तो अदृश्य है वो व्यक्ति स्वीकार भी करता है पर ये व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है वो तो कहता है कि मुझे छोड़नी है अपनी आदत अभी एक पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में हीरोइन एडिक्ट स्मैक स्मैक पता है ना? ब्राउन शुगर छोटा सा था तब से चालू किया अभी बड़ा हो गया है अब रह नहीं सकता उसके बिना पर उसको इतनी तो समझ है कि मुझे ये छोड़ना है बेचे नहीं होती है उसको नहीं लेता तो पैकेट आते हैं एक दिन का खर्चा कितना है बहुत ज़्यादा दोड़ा ओपियम राजस्थान में तो बहुत है और महंगा है बहुत बहुत महंगे होते है ये सारी चीजें पर एडिक्ट एडिक्शन ऐसा है कि व्यक्ति चाहता है कि मुझे भर्ती करो मेरी मदद करो कैसे भी कर को मैं 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 बहुत कमजोर हो गया हूं संकल्प शक्ति खत्म हो गई है संकल्प हजार बार कर चुके हो, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई असहाय होकर पुकारता है कुछ भी करो भर्ती कर दो जो करना है करो ऐसी दवाई दे दो कि यह नशा खत्म हो जाए मैं मुक्त हो जाऊं इससे ऐसे नशे संसार में नशा पता करने वाले बहुत है काम का नशा अत्यंत घातक है क्योंकि यह नशा अदृश्य है यह नशा मानसिक अंदर ही अंदर रहता है इस नशे को व्यक्ति किसी के साथ शेयर नहीं करता है डर रहता है कैसे किसको बताऊं ऊपर से तो योगी दिखते हो ज्ञानी दिखते हो ऊपर से अमृत वेला करते हैं, मुरली भी सुनता है सेवा सारे दिन भर परंतु अंदर लत लगी है काम की अदृश्य रूप से समझना है इसको क्या है ये ना तो ये स्वाभाविक है ना ये कुदरती है ना ये स्वाभाविक हमारी आदत है ये एक्वायर्ड हैबिट है एक्वायर्ड अर्जित की गई है और इससे मुक्ति हो सकती है हमारा वास्तविक स्वभाव काम नहीं है आनंद है एक क्रस अवस्था में रहना है आत्मिक है जैसे कल हमने देखा था बारह बातें, क्या अभ्यास करना है आत्मा की सूक्ष्मता का चिंतन करना है आत्मा की अमरता का चिंतन करना है आत्मा की शक्तियों का चिंतन आत्मा के गुणों का चिंतन करना है आत्मा के समान का आत्मा की यात्रा के आत्मा का पिता का आत्मा के घर का चिंतन करना है आत्मा के पृथक्ता का चिंतन करना है आत्मा के साक्षी होने का चिंतन करना है आत्मा की सूक्ष्मता का चैतन्यता का चिंतन करना है आत्मा की अमरता का अमरत्व का शाश्वतता का चिंतन करना है तो हम ऑटोमेटिक तो तो, तो 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 तो, भेद तो दिखने लगेगा शाश्वत नश्वर चैतन्य जड़ सूक्ष्म स्थूल साक्षी भोक्ता, घर ये नहीं वो ये नहीं है मेरा घर यह संसार मेरा घर है ही नहीं यह संसार मेरा घर गेह नहीं है मेरा गेह मेरा घर वो है ये चिंतन ही उसको ये जो देहभान का साम्राज्य है उससे स्वत ही ऊपर रखता है निरंतर चिंतन करते रहना जहां बैठे है वहां चिंतन चालू मैं आत्मा अमर हूं अविनाशी हूं शाश्वत हूं ध्रुव हूं इटरनल हूं इम्पेरिशेबल हूं मैं आत्मा इस संसार की नहीं हूं कितना छोटा सा चिंतन है पर काम के गर्त में गिरने से बचा देगा छोटा सा चिंतन है इसलिए बाबा ने क्या कहा यह सहज है सहज राजयोग है बस एकांत में बैठकर सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो स्वतः वैराग आएगा संसार से सब कुछ स्वतः होगा कल की मुरली में बड़ा भयंकर वाक्य था कहते हैं हम बीके हैं पर है नहीं कहते हैं हम बीके हैं पर है नहीं है ही नहीं क्या किया तुमने तुम कहते हो तुमने घर बार छोड़ दिया अपने कल्याण के लिए मुझ पर मेहरबानी की क्या कल था ना तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो जो कुछ कर रहे हो दूसरों को योग सिखाते हो और खुद की बुद्धि भटकती है तो काम नशा है पहले तो यह स्वीकार करना है अपने अज्ञान को अपने नशे को जैसे जो मरीज कल आया वो बीस साल से कर रहा है आज उसने शायद स्वीकार किया कि मुझे नशा हो गया है मुझे आदत पड़ गई है मुझे इससे मुक्त तो होना है ट्रीटमेंट आज से चालू हुई है उसकी मन से वास्तविक अब तक तो वो स्वीकार ही नहीं करता था अब तक उसे लगता था ठीक है मुझे आदत थोड़ी ना है कभी कभी कर लेता हूं जैसे चाय के लिए लोग कहते हैं ना हमको आदत नहीं है नहीं मिला तो भी चलेगा पर रोज तो पीते ही है ना न पीने का कितना अनुभव है अगर ये कहते हो कि मुझे आदत नहीं तो एक महीना बिना चाय के रह के दिखाओ तब मानेंगे कि तुमको आदत नहीं है एक महीना बिना कॉफी के रह के दिखाओ ये सारे व्यसन है उत्तेजक है सारे क्यों चाहिए किस लिए चाहिए पवित्रता पवित्रता को खींचती है और सबसे और एक बात ये गुलामी उत्पन्न करती है क्या है ये लस्ट स्लेवरी अधीनता गुलाम बन जाता है व्यक्ति इसका क्योंकि इसमें इंद्रिय चंचलता है इंद्रियों की चंचलता इंद्रियों की उत्तेजनाएं हैं और उत्तेजनाएं ऐसी है कि इस उत्तेजना के सामने बीड़ी सिगरेट दारू तंबाकू अफीम ये सारी उत्तेजनाएं कुछ भी नहीं है इतनी महाभयंकर उत्तेजना है इसमें इसलिए काम का सेमी नशा भी बहुत घातक है बहुत भयंकर घातक है और कोई इसे स्वीकार नहीं कहता कहते कुछ नहीं है 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 थोड़ा है थोड़ा है थोड़ा है और थोड़ा करते करते हथौड़ा बन जाता है एक दिन पश्चिम के वैज्ञानिक कहते हैं काम मनुष्य की वह मनोवृत्ति है जिसमें पुरुष स्त्री पर स्वामित्व स्थापित करने का प्रयत्न करता है इसलिए यह पाशविक है एनिमल इंस्टिंक्ट है महात्मा गांधी का जितना लिटरेचर है टोटल कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी जिसमें उनकी आत्मकथा और जितनी किताबें होगी उसमें काम विकार के लिए एक शब्द का ही प्रयोग किया गया है काम विकार लष्टनी का है एनिमल पैशन उन्होंने एक ही शब्द प्रयोग किया है सब जगह पर एनिमल पैशन पाश्विक वृत्ति पार्शविक मनोवृत्ति पशुओं जैसी वृत्ति है ये ये मनुष्य की वृत्ति है ही नहीं जब तक व्यक्ति से मुक्त नहीं हो जाता उन्होंने कहा मैंने अपने वैवाहिक जीवन का सुख तब से ही लेना आरंभ किया जब मैंने और मेरी पत्नी ने ब्रह्मचर्य का व्रत 1906 में लिया तब से पता चला वास्तव में पत्नी क्या होती है तब तक तो पता ही नहीं था क्या था क्योंकि मन गुलाम था विकारों के अधीन था साउथ में आंध्र प्रदेश में एक कहानी है शायद कईयों ने सुनी होगी वेनम्मा की वेनम्मा। 1820 में इनका जन्म हुआ था 1820, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश माँ बाप तो चल बसे उनका जो भाई था और भाभी था भाभी थी उन्होंने ही इनको पाला पोसा बड़ा किया और भाई और भाभी जैसे माँ बाप के जैसे थे और जो भाभी था उसका तो विशेष स्नेह था पर बचपन से ही गलत संग में पड़ा विनमा और धीरे 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 बड़ा होते गया वो सारे व्यसन और फिर वेश्या और एक वेश्या से उसको प्रेम हो गया और वो वेश्या उसको रोज नई नई चीज़ें लाने को कहती कभी ये लाओ कभी वो लाओ पैसे लाओ और वो रोज लेके जाता तो घर से फिर धीरे धीरे चोरी करना चालू किया उसने पहले तो मांगे दिए पर जब ज़्यादा मांगने लगा तो नहीं दिए फिर चोरी करना चालू किया फिर चोरी में भी पकड़ा गया तो उसकी जो भाभी थी वो बहुत ज्ञानी किस्म की महिला थी तो उसने सारे गहने छिपा के रखती है और वो प्रार्थना करती थी माँ काली से कि वैनम्मा को बुद्धि दे सद्बुद्धि दे और एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो सो रही थी तो उसके कमरे में वैनम्मा प्रवेश करता है और चुपचाप उसका मंगलसूत्र खींचने की कोशिश करता है क्योंकि बाकी कहीं तो कुछ है ही नहीं उसकी आँख खुल जाती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो तो वो तो पहले भी उसने बताया था कि मैं उस वेशा के पास जाता हूं और वो मुझे कहती है आज ये चाहिए इसलिए मैं लेने आया हूं उसने अपनी भाभी से कभी झूठ नहीं बोला इसके पहले भी जब उसने चोरी की थी और पकड़ा गया था भाभी ने उसके भाई से कभी नहीं बताया पर अपने तक ही रखी थी ये बात तो इस बार भी जब पकड़ा गया तो वो कहता है भाभी पूछती है और क्या चाहिए तुमके? तो वो कहता है ये उसने मंगा है इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ तो उसको बहुत दुख होता है वो उसको बिठाती है और कहती है कि ठीक है तुम ले जाओ मैं तुमको दे दूँगी ये मेरा मंगल सूत्र पर एक शर्त है एक प्रॉमिस करो करोगे वो कहते हैं हाँ करूँगा क्योंकि उसे भी बहुत प्यार है अपनी भाभी से तो वो माँ काली के पास ले जाती है और कहती है कि काली माँ की सौगंध खा के कहो कि तुम मैं जो कहूँगी वो करोगे वो कहता है करूँगा तो ठीक है वो तो कहता है तुम जाओ उस वेश्या के पास उसको रह कहो कि तुम खड़ी रहे और ये मंगलसूत्र उसको दो और वो ऐसा नीचे झुक के पैरों के नीचे से वो तुमको दे वो कहता है ठीक है हो जाता है उसके पास और वो मंगल सूत्र देता है और उसको कहता है तुम ऐसे ऐसे खड़े रहो और पैरों के नीचे से मुझे वो दो निर्वस्त्र और वो वैसा ही करती है और जैसे ही वो दृश्य विनम्मा देखता है उसके मन में तीव्र वैराग जागता है वहां से भागता है और भाग के सीधा अपनी भाभी के पास जाता है रोना चालू करता है और फिर तो संसारी छोड़कर चला जाता है कि मुझे अब इस संसार में रहना नहीं है अपनी भाभी को ही गुरु मान लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है और फिर आगे तो कुछ और कहानी है कि जैसे वो जाता है जाता है काली का एक मंदिर है वहाँ बैठता है और वहाँ पे एक्चुअली कहानी कितनी सत्य है पता नहीं एक दूसरा भक्त होता है काली उसके स्वप्न में आके कहती है कि तुम आधी रात को वहाँ आना पर वो किसी कारण से नहीं आता ये पहुँच जाता है तो शायद काली माँ को कन्फ्यूजन हो जाता होगा तो काली माँ इसके सामने प्रकट हो जाती है और वो कहती है बोल तुझे क्या चाहिए वो कहती है मुझे ज्ञान चाहिए वैराग चाहिए भक्ति दे ज्ञान दे वैराग्य दे संसार की कोई चीज़ नहीं मांगता वैराग मांगता है और उसे वरदान मिल जाता है और फिर वो वहाँ से निकलता है और इसका जीवन इतना तपस्वी जीवन है कि तेलुगु में ये जो दो ग्रंथ लिखे गए हैं वेनम्मा जीवामृत और सेनमा तत्व जीवनम ये इस द्वारा लिखे गए हैं। फिर वहाँ से वो जाता है कुड़प्पा, वहाँ पे श्री श्री सैलम मंदिर है और वहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन का ये सब की स्थापना इसने की है तो बहुत बड़ा तपस्वी बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता है कैसे बनता है उसकी भाभी की वजह से क्योंकि भाभी ने कहा यह है सत्यता देखो गंदगी को ये है और फैराग जागता है सत्य से भागना नहीं सिखाया जो है वो है 1867 में इनकी मृत्यु हुई तो हम बात कर रहे थे कुमार और कुमारियों के संबंध के विषय की इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे सबसे पहली पॉइंट कभी भी अकेले में बात ना करे एकांत में बैठकर कर ये समझ कर कि वो भी तपस्वी मैं भी तपस्वी वो ब्रह्मा कुमारी मैं भी ब्रह्मा कुमार अकेले में बैठ के बातें न करे क्योंकि इंद्रिया बहुत शक्तिशाली है प्रबल है भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि काम के पांच बान जिनकी चर्चा की थी ना पहले भी आंखों के द्वारा चलते हैं। दूसरे पॉइंट एक दूसरे के सामने एक दूसरे से दृष्टि लेते हुए खड़े ना रहे आंखों में आंखें डाल कर ना देखे वो एक अलग चीज है कि संडली पर कोई बहन जी बैठी है और उसकी हम दृष्टि ले रहे हैं वो अलग कि पर किसी को स्पेशल बैठकर जिससे दोस्ती है फ्रेंडशिप जैसा है और आंखों में आंखें डालकर बात करना ये भी बड़ा घातक है जितना हो सके उतना एकांत में ना मिले एकांत में बैठ के बातचीत ना करें आंखों में आंखें डालकर बातें ना करें ये सभी धर्मों ने इसके लिए मना किया है क्यों क्योंकि आंखों से बहुत तीव्र गति से आकर्षण होता है आंखों में निरंतर कुछ न कुछ निकल रहा है हाँ दृष्टि देना यह एक बहुत अच्छी बात है पर उस दृष्टि देते समय भी हम खुद पहले आत्मिक स्वरूप में स्थित है हम आत्मिक स्वरूप में खुद स्थित नहीं है हम खुद देहभान में है और दूसरों को दृष्टि दे रहे सारे गुरुओं का पतन कैसे हुआ गुरु जो थे धीरे धीरे किसको शिष्य बनाई स्त्रियों को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया उनका पतन कैसे हुआ गुरु बैठा है शिष्य शिष्या बैठी है दृष्टि दे रहे वो संबंध बहुत अच्छा है वैसे तो गुरु और शिष्य का परंतु दोष ना गुरु का है दोष न शिष्या का है दोष उम्र का है काम जैसे एक टैबलेट है वो टैबलेट का एक साइड इफेक्ट है ठीक है आशीष भाई अब वो टैबलेट एक बीमार व्यक्ति को दिया तो उसमें भी वो साइड इफेक्ट दिखेगा वही टैबलेट किसी स्वस्थ व्यक्ति को दिया वो साइड इफेक्ट दिखेगा एक स्त्री को दिया टाइबले वो साइड इफेक्ट दिखेगा किसी पुरुष को दिया वही साइड इफेक्ट किसी ओल्ड मैन किसी बच्चे को वो साइड इफेक्ट ऐसा है उस टैबलेट का कि जो भी लेता है उसको वो साइड इफेक्ट होता ही है अब कोई कहे मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं मैं बहुत योगी हूं और वो गोली में खाऊंगा और मुझे कुछ नहीं होगा ऐसा होगा वो गोली ऐसी है कि वो गोली लेने के बाद एक बुखार आता ही है वो चाहे कोई भी लो वो आएगा ही वैसे काम भी वैसा ही है चाहे किसने कितनी भी साधना की हो कितनी भी सेवा की हो कितना भी योग किया हो क्योंकि शरीर शरीर है काम का संकल्प की जो टैबलेट है वो जैसे ही मन के अंदर प्रवेश करेगी उसमें वही केमिकल रिएक्शंस होगी वही सब कुछ होगा फिर ये नहीं कह सकते कि अरे अरे अभी अभी तो ब्रह्मचर्य पर भाषण दिया था अभी अभी तो ब्रह्मचर्य की क्लास सुनी थी ये पूरी ब्रह्मचर्य की भट्टी चालू है अठारह दिन पूरे हो गए उसके बीच में भी काम नहीं छोड़ता है जबकि ब्रह्मचर्य की यहां चलने वाली क्लास तीन बार सुन रहे फिर भी छूटता तो नहीं है क्योंकि ये काम तो वही करेगा वैसे ही करेगा चाहे कोई भी हो सामने वाला वो ये नहीं देखता है एक दो केमिकल्स को डालो जो रिएक्शन होनी है वो होनी है दो केमिकल्स को मिलाया तो वही रिएक्शन होगी फिर वो दो केमिकल्स को एसी में रखो और मिलाओ या धूप में रखो ठंड में रखो रात में करो दिन में करो कभी भी करो वही रिएक्शन होनी है सेम ऐसा ही है इसीलिए तीसरा हमेशा आप कहकर ही बात करें चाहे उम्र में छोटे भी क्यों ना हो बहने चाहे छोटा कुमार हो कितना भी छोटा कुमार हो या भाई चाहे कितनी भी छोटी कन्या हो क्या कहे आप ये जो तू कहना जो है ना इसमें थोड़ा अपनापन जो है ये जो अपनापन है खतरनाक है तुम मेरी बेटी जैसी हो तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो आप मुझे अपने बड़े भाई जैसे लगते हो पिता जैसे लगते हो आपसे पिता के पालना की भाषण आती है आप तो एकदम मां जैसी हो मना कुमारी किसी कुमार को कहे कि आप मुझे माँ जैसी लगती हो आपकी जो पालना है ना माँ की जैसी पालना है या फिर कोई बहन कोई टीचर किसी वरिष्ठ भाई को कहे कि आप पिता जैसे लगते हो या आपकी पालना मां जैसी है या आप मुझे ब्रह्मा बाबा जैसे लगते हो आप मुझे ना मम्मा जैसी लगती हो किसी कुमार को कहे कोई कुमारी तो कुमार का अहंकार तो बड़ा इसमें तृप्त होता है आ हा हा मैं और मम्मा वाह 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 तो वो खुद जानबूझ के और कोशिश करेगा मम्मा की तरह पालना देने की परंतु सबकी मम्मा नहीं है वो उसी एक की मम्मा है <laughs> प्रॉब्लम ये है <laughs> एक्सक्लूसिव मम्मा है सिलेक्टिव मम्मा है वो कलेक्टिव मम्मा नहीं है एक की मम्मा बाकी सब की <laughs> अम्मा बाकी सब की सास और एक की अम्मा जगदम्बा ये नहीं मां बनना है ना जगत माता बनो जगन माता बनो जगदम्बा बनो किसी एक की मां नहीं बनना है एक की मां बनोगे तो उसी में फंसोगे फिर वही सारे भाव प्रकट होंगे जो एक लौकिक माँ का अपने बेटे के प्रति प्रकट होता है इसीलिए किसी एक व्यक्ति को अपना पुत्र नहीं बना देना और हां माए भी श्रेष्ठ थी पर हर एक माता जीजा माता नहीं बन सकती है एक हर एक माता आ, कौन कौन वो नहीं ये साउथ की नाम भूल गए वो श्लोक जिसके है ना जैसे शुद्धो सी बुद्धो सी कौन है वो <laughs> मदालसा हर एक मदालसा नहीं हो सकता है मदालसा जैसा बनना ये बहुत बड़ी ऊंची स्टेज है जो बचपन से सिखा रही है अपने बेटे को शुद्धो सी बुद्धो सी तुम चैतन्य हो तुम आत्मा हो एक एक बच्चा बड़ा होता है जाके वैरागी और सन्यासी बन जाता है राजा तो दुखी हो जाता है ये क्या कर दिया तुमने कम से कम एक को तो छोड़ो जो राज्य देखे तो आपस में खड़े पहला बताया अकेले में बात नहीं करना दूसरा दृष्टि नहीं लेते बैठना तीसरा आप कह के पुकारना चौथा कोई निक नेम नहीं देना एक दूसरे को निक नेम सोनू पिंटू मुन्ना सोना और क्या बाबू <laughs> <laughs> <मिचनू>। निच्नु <laughs> राजा रानी कुछ भी हो सकता है अगला कुमार कुमारियों को देवी के रूप में और कुमार कुमारी भाइयों को महावीर के रूप में ही देखे ये वही है हनुमान जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है गदा लिए खड़ा है ये वही है जो विघ्न विनाशक गणेश है ये वही है जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है जिसके सामने भगत नस्त नतमस्तक है ये वही है जो जगदम्बा है जो काली है जो दुर्गा है जो अंबिका है सरस्वती है विद्या की देवी है सारे स्कूलों में इसकी पूजा हो रही है सारे विद्यार्थी नतमस्तक है वैष्णवी है अगला कभी भी एक दूसरे से पर्सनल बातें शेयर ना करें उधर सेंटर की बातें मधुबन की बातें कितना भी शेयर करो कौन क्या मदद करेगा समस्याएं हैं कौन है संसार में जिसके पास समस्याएं नहीं हर एक के पास समस्या है अगर मैं किसी को पकड़ लूं और उसके साथ अपनी एक घंटा अपनी यहाँ की समस्या शेयर करूं ये लोग मुझे ऐसे ऐसे परेशान करते हैं अब बताओ तुम क्या करो वो क्या कहेगी क्या करेगी वो वहाँ बैठ के वो अपनी सुनाएगी अब तुम बताओ मैं क्या करूं एक शिकारी जंगल में भूल गया जंगल में तीन दिन से रास्ता ही भूल गया कुछ नहीं मिल रहा है उसे ना कोई परिंदा ना कोई मनुष्य कोई नहीं मिल रहा है परेशान हो रहा है भूख प्यासा पूरा जंगल सुनसान है इधर भटक रहा है उधर भटक रहा है तीन दिन तीन रातों से भटक रहा है और अचानक एक दिन उसको देखा झाड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा है वो भी शिकारी है वो भी भटका हुआ है और भाग के जाता है उससे मिलता है इतनी खुशी होती है उसको भी खुशी होती है अब दोनों मिलके भटक रहे इसे कहा जाता है विवाह <laughs> पहले अकेले भटकते थे और भटकते भटकते फिर दूसरा साथी मिल गया फिर घोड़े पे बिठाया बैंड बाजे बाजे लोगों ने कहा समाज ने कहा ये तुम्हारी पत्नी ये तुम्हारा पति दोनों हाथ में हाथ मिला के अब चल रहे पहले अकेले भटकते थे अब साथ साथ भटकते एक भिखारी भीख मांग रहा है भीख मांग रहा है कुछ नहीं मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है अचानक दिखा एक दूसरा भिखारी खुशी हो गई भिखारी भिखारी से मिलकर दोनों अब साथ साथ कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं ये है समाज इसे क्या कहता है कोई किसी का साथी नहीं बन सकता यहां हरेक को अकेले ही जीना है या अकेले का मार्ग है पग पगदंडी है एकला चालो रे इफ दे आंसर नॉट टू धाई कॉल वॉक अलोन वॉक अलोन वॉक अलोन वाक अलोन वॉक अलोन का मार्ग है साथी साथ ही बना दिया दोस्त बना दिया गए इसलिए ये इस सब चीजों से बचना है तो पर्सनल बातें शेयर नहीं करनी है शेयर करनी है किससे करो बाबा से करो शेयर करनी है अपने आप से करो आईने के सामने बैठकर अपनी बातें अपनी राम कहानी अपने आप को सुनाओ शेयर करनी है प्रकृति से शेयर करो प्रकृति से प्रकृति सुनती है प्रकृति के जितने समीप जाते हैं ना आवाजें आने लगती है प्रकृति महसूस होगी प्रकृति से इसलिए हमारा कनेक्शन बहुत कम है प्रकृति से नंगे पाओ चलो जमीन पर वो धरती से प्रकम्पन आएंगे आवाजें सुनो मून गेजिंग चंद्रमा को देखते रहो रात में स्टार गेजिंग सितारों को देखते रहो आकाश को देखते रहो स्काई गेजिंग वो ऊर्जा जो है वो प्राण ऊर्जा ची ऊर्जा पूरे शरीर में कैसे बहती है महसूस करो किसी और की आवश्यकता ही नहीं है हमारे दो पेट है एक है फिजिकल स्टमक एंड सेक्सुअल स्टमक इसकी प्यास है भोजन की इसकी प्यास है काम की भूख क्यों लगती है जब यह खाली होता है तब यह अगर भरा ही रहे तो भूख नहीं लगेगी वृद्ध इसको प्राण से भर के रखो इसको लाइफ फूड से भर के रखो ऊर्जा से भर के रखो सूर्य की किरणों से भर दो पेट को जमीन से जमीन से उत्पन्न किरणों से इस पेट को भर के रखो फिर फिजिकल फूड की आवश्यकता ही नहीं है फिजिकल उतने टॉक्सिन से भोजन योगी का सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाता है क्यों क्योंकि वो इस फिजिकल ये पेट को किससे भर के रखता है प्रभु प्रेम से भरता है प्राण ऊर्जा अपना ये डायग्राम बनाना है पेट का शांति स्तंभ पर जाओ देखो शांति से भर गया फिर ज्ञान से भर गया पवित्रता से भर गया आनंद से भर गया शक्ति से भर गया मधुबन के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकंपन है उन प्रकम्पनों का ही भोजन स्वीकार करो प्रकंपन ऊर्जा है आंगन में गए ऊर्जा भर रही है पेट भर गया है अब क्या खाऊं बाबा कहते खुशी ही खुराक है खुशी से पेट भर गया है ऐसे अनुभव करो कि टंकी फुल हो गई अब क्या डालू और डाइनिंग में गया भूखी नहीं गॉन क्योंकि ऊर्जा से पेट को भर दिया है तो यहां पे हमने रिप्लेस कर दिया है दूसरा पेट है कामुक पेट सेक्सुअल स्टमक सारा कुछ है ज्ञान योग पर ये भरता ही नहीं है इसकी सेक्सुअल अर्जेस उत्पन्न होती रहती होती रहती होती रहती जब तक ये कामुक पेट नहीं भरता तब तक इच्छाएं होती रहेगी ये देखो पिक्चर देखो फिल्म देखो पोस्टर देखो फिल्म देखो इससे दोस्ती उससे दोस्ती ये चित्र वो चित्र ये सॉन्ग वो वीडियो ये मैसेज ये किताब ये नॉवेल वो मैगजीन इससे दोस्ती ये सुंदर दिखती है इससे दोस्ती करूँ ये हैंडसम दिखता है इससे दोस्ती करूँ इस कामुक पेट को किसी और चीज से भरना है वो किससे भरना है उसका चिंतन आज आप करेंगे ताकि ये जब भर जाए तो ये इच्छा ही खत्म हो जाए अनिच्छा उत्पन्न हो जाए अपने आप बिना कुछ किए ये भर चुका है कोई इतना पूरा खा लिया और उसके बाद उसको भोजन करो करता है क्या उसको जबरदस्ती करो तो भी नहीं करेगा कहेगा तुम्हारे पसंद का बना हुआ है अरे नहीं खा सकता भाई और सोचो ये पेट खाली ना हो हमेशा ही भरा रहे एक विधि है ऊर्जा से उसको निरंतर भरा जा सकता तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसी तरह कुछ चीजों से इस पेट को भी भर के रखना है ताकि ये अर्जिस ये उत्तेजना उत्पन्न ही ना हो ये नहीं ये भरा खाली है इसलिए तो कोई व्यक्ति चाहिए वास्तव में भूख यौन की नहीं है काम की नहीं है प्रेम की है अभिव्यक्ति यौन है भूख तो प्रेम की है प्रेम चाहिए व्यक्ति को अगला ज्यादा से ज्यादा न्यारा होकर रहो ज्यादा से अगला एक दूसरे की चाहे सेवा भी क्यों ना हो तारीफ में नहीं लग जाना है अतिशय प्रशंसा करना ये भाई बहुत अच्छा है बहुत अच्छा सेवा करता है ये बहुत अच्छा सेवा करता है ये बहन बहुत अच्छी है, है इसकी मुरली अच्छी है इसका चिंतन अच्छा है इसका बोच इसका भाषण अच्छा है ये बहन बहुत ही अच्छी है और एक दिन देखा सेंटर पर वो बहन कहीं बाहर चली गई कहाँ है, कहाँ ढूंढ है? रहे हैं उसको ये कौन बैठा है मुरली सुनाने इसकी मुरली हमें पसंद नहीं हमें वही चाहिए कह नहीं रहे पर मन में तो है ना कि वो वाली बहन चाहिए तो हो गई ना आ सकती क्योंकि क्या की तारीफ कहाँ की मन ही मन तारीफ की मुरली किसकी है कोई बहन की है क्या मुरली किसी बहन की है तो क्यों चाहिए फिर वो उसका सुनाने का तरीका अच्छा है उसके उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे हैं यही तो ट्रैप है यही तो ट्रैप है इसका मतलब रस कंटेंट में नहीं है कंटेनर में है अगला सिंपति दिखाने की जरूरत नहीं है सहानुभूति इसका क्या होगा बेचारी कुमारी कहां जाएगी इसको कितनी समस्या घर में इसके मां बाप विरोध कर रहे हैं और इसको ब्रह्मा कुमारी बनना है तुम क्या करोगे क्या करोगे दस दस घंटा बात करके उसको ब्रह्मा कुमारी बनाओगे या उसके माँ बाप का को कन्विंस करोगे जिसको दादियों को किसने कन्विंस किया था क्या निकल के आ गई थी ना अपने आप हाथ में तलवार लिए निकल पड़ी थी और यह दस लोगों से पूछती रहती है कुमारी क्या करूँ मुझे सरेंडर होना है मुझे सेंटर पर जाना है घर वाले विरोध करते आप कुछ बताओ हम क्या बताए ये पूछा जाता है ये पूछा थोड़ी जाता है पूछ रहे हैं अर्थात निश्चय की कमी है पूछ रहे हैं अर्थात निश्चय की कमी है जितनी ब्रह्मा कुमारी बहने पुरानी और आज भी जितनी है उन्होंने कभी किसी से पूछा था क्या पूछ रहे हैं अर्थात क्या मधुबन में आऊं कि नहीं आऊं कि नहीं आऊँ कैलकुलेशन है क्या ये फायदे क्या है अच्छा बन गई तो अगर बीमार पड़ गई तो कोई सेवाधारी मिलेगा क्या पूरा कैलकुलेटेड सरेंडर है दादियों ने ये सोचा था हम बूढ़े हो जाएंगे फिर हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा उनको कुछ खबर थी कूद पड़े बिल्कुल कुछ पता ही नहीं यज्ञ का आगे क्या होने वाला है कुछ खबर नहीं थी वो है समर्पण यहाँ कैलकुलेशन लगा रहे मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स निकाल रहे वो कहां से चल पाएंगे तो सिंपत्ति दिखाने की जरूरत नहीं है धक्का मार दो गिरने दो अगला एक्स्ट्रा केयर और पर्सनल अटेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है इसका एक्स्ट्रा केयर पता नहीं क्या हो रहा है उसका एक्स्ट्रा केयर एक्स्ट्रा अटेंशन ठीक है जिसको आना है सेंटर पर आएगा जिसको नहीं आना है गेट लॉस्ट किसी को पकड़ पकड़ के थोड़ी नहीं लाया जाता है ज्ञान में पकड़ पकड़ के मुरली सुनाई जाती है क्या अरे तुम आओ क्यों नहीं आते तुम अच्छा नहीं लगता है तुम क्लास में नहीं रहते तो अगला किसी के गुण और विशेषता से प्रभावित ना हो हर एक में कोई ना कोई गुण है हर एक में कोई ना कोई विशेषता है ईश्वर प्रदत्त है प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं अगला पर्सनल मैसेजेस ना करें मैसेजेस करने ओनली सेवा रिलेटेड मैसेजेस हेलो कैसे हो आप आर यू क्या चल रहा है उधर टेम्परेचर कितना है भालू दिखा क्या बारिश हुई कि नहीं गर्मी कैसी है आजकल क्या चल रहा है कौन सा ग्रुप आया है आज भट्टी के लिए मधुबन में अच्छा हाँ हाँ उसकी लिस्ट ही भेज दो कौन से क्लासेस हुए? अच्छा अच्छा वाला क्लास कौन सा है वो भेज दो क्या विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं? पुरुषार्थ ये इनसे कोई लेना देना नहीं है लेना देना है दोस्ती करने से मुझे आप अपने पर्सनल नंबर पर अपना क्लास भेजो मुझे अलग से भेजा करो आप गो टू हेल्थ सेवा केंद्र पर सादगी मर्यादा उक्त ड्रेस जो भी ड्रेस पहन के जाते हैं मर्यादा युक्त तो हो ऐसे ड्रेस ना हो कि दूसरे हम की हमारी तरफ आकर्षित हो जाए कुमार कुमारी एक दूसरे की तरफ ड्रेस की वजह से आकर्षित होते मेकअप का अंश मात्र भी ना हो खुले बाल कोई हेयर स्टाइल की जरूरत नहीं है मराठी में कहते हैं केसा ना वर्ण लोन देवानंद बनने हृदयाला हृदय लोन विवेकानंद बनना श्रेष्ठ है <laughs> बालों को सवार कर देवानंद बनने से अच्छा दिल को सवार कर विवेकानंद बनना श्रेष्ठ है <laughs> फिर कोई भी चीजों का आदान प्रदान ना करे जितनी हो सके ये जो शेयरिंग वाली चीज है ना इसको कम से कम रखना है हाँ कोई बहुत भाव से देता है वो एक अलग चीज है वो सबके सामने दी जाती है पर ये जो होता है ना चुपके चुपके से देना चुपके चुपके से शेयर करना और ये जो मैं जो तुमको दे रहा हूं ना इसको जरूर यूज करना किसी को देना मत ये जो खाने की चीज दे रही हूँ ना ये खास आपके लिए है ये बांटना मत उधर क्लास में जाके दूसरे दिन खास इंस्ट्रक्शन आते हैं कभी कभी हा <laughs> ये खास आपके लिए ये खास जो है ना यही माया है। ये जो राखी है ना ये खास आपके लिए है विशेष बनवाइए ये सब फंसाता है कुमारों को तो संबंध कैसे हो उसमें फेमुलरिटी कम हो डिजिटल प्योरिटी हो अननेसेसरी व्हाट्सएप अननेसेसरी मैसेजेस अननेसेसरी कॉल्स अननेसेसरी वीडियो कॉलिंग अवॉइड ऑल दिस नहीं तो ट्रैप हो जाएगा ये घूमना फिरना जितना हो सके मर्यादा उक्त हो न्यारा होकर हो डिटैच हो, हो इसमें सेफ्टी है हाँ दूसरी एक बात ये सब जो कहा चलो किसी ने यह किया और कहता है कि मुझे कुछ नहीं होता है पर इसमें एक भय है भयअपवाद आपको कुछ नहीं हो रहा है आप पवित्र है वो भी पवित्र है पर ये जो दुनिया है ना ये देख रही है पवित्रता आप में है ये सारा कुछ आप कर रहे हो धारणा है मजबूत है सब कुछ है पर ये जो दुनिया वाले जो है इनसे लड़ाई करनी पड़ेगी फिर क्योंकि उन वो वो कलंक लगाएंगे भले आप पवित्र है वो भी पवित्र है कुमार कुमारी दोनों पवित्र है संबंध अतिशय पवित्र है भगवान की तरफ से स्टैंप लगा प्योर संबंध है फिर भी, फिर भी भी ये सब चीजें नहीं करनी है क्योंकि लोकपवाद ये लोग कुछ ना कुछ कहेंगे और चलो कहे तो भी कुछ नहीं पर उनसे लड़ाई में हमारा समय जाएगा फिर दुनिया से वो जो निंदा करेंगे वो जो कॉमेंट्स करेंगे जो कुछ करेंगे उनसे लड़ने में समय तो जाएगा या फिर लड़े बिना योग में संकल्प चलेंगे जरूर कि हमने इन दोनों को घूमते हुए देखा लोग कह रहे हैं कुछ तो चल रहा है जैसे कुछ भी नहीं चल रहा है इट्स एब्सोल्युटली प्योर बट स्टिल इट इज टू बी हाँ पर वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे क्योंकि उनको उनके पास तो काम नहीं है ना दूसरा कुछ ज्ञान योग है नहीं तो क्या करेंगे क्रिएटिव माइंड है कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे करते रहेंगे वो तो पर उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना स्थिति पर इसीलिए तो कुमार कुमारी अलर्ट सावधान सजग जागृत ब्रह्मचर्य की तपस्या भट्टी चल रही है तीन दिन बाकी है तीन दिन में एब्सुलूट अलर्टनेस हम्म दो दिन बाकी बीस बीस एक अच्छा दो ही दिन आज का तीसरा दिन पूरा दिन बाकी है क्लास पूरी हुई दिन तो बाकी है आज पूरे दिन की साधना बाकी है ओम